ग्लोबाल लीडर कले मोदी नेतृत्वर प्रशंसा कहिले भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारा विश्व पाई प्रेरणा एने ट्वीट करिसेंति बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा निज ट्वीट रे लिखिसेंति भारतर नेतृत्व को प्रशंसा करुछंति अन्य राष्ट्रर मुख्य खासकर अंतर्जातीय प्रसंगे मोदी नेतृत्व को प्रशंसा करिसेंति डेनमार्क प्रधानमंत्री एवं भारत गस्तर फेडरिक्सन कहते जे डेनमार्क गस्त करने को मोदी आमंत्रण रक्षा कर गर्व अनुभव करते भारत और डेनमार्क दुई गणतांत्रिक राष्ट्र नियम आधारित आंतर्जातिक व्यवस्था उपर विश्वास करती दुई राष्ट्र मध्य सहयोग किभली परिवेश अनुकूल अभिवृद्धि और सबुज रूपातरण एक समय संभव हो पार तहार एक बलिष्ठ उदाहरण हो एक नए सिलसिले की शुरुआत डेनमार्क के प्रधानमंत्री की यात्रा से हो रही है। एक्सेलेंसी, यह भी सुखद संयोग है कि आपकी पहली भारत यात्रा है। आपके साथ आए सभी डेनिश डेलीगेट्स और बिजनेस लीडर्स का भी मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात भले ही पहली रूबरू मुलाकात थी, लेकिन कोरोना कालखंड में भी भारत और डेनमार्क के बीच संपर्क और सहयोग की गति बरकरार रही थी। यूरोपियन यूनियन और नाटो भली शक्तिशाली संघर सदस्य होउछि डेनमार्क और एबे डेनमार्क प्रधानमंत्री मेटी फेडरिक्सन तीन दिनिया भारत गस्तरे रहिछन्ति। द्विपाक्षिक बैठक पर मिलित सांबादिक सम्मेलन में प्रकाश करी डेनमार्क प्रधानमंत्री कहते जे कोविड 19 महामारी समय भारत और डेनमार्क सेमानक मध्यरे सहयोग जारी रखिछन्ति। सेमानक मध्यरे वर्चुअल बैठक अवसर से दुई देश मध्यरे एक परिवेश अनुकूल कौशलात्मक सहभागिता स्थापन करने को स्थिर करते समीक्षा करने सहित से संपर्क में निजर प्रतिबद्धता को दोहराइछन्ति। I'm also proud that Danish solutions play a key role when it comes to your very ambitious targets, and I think you are an inspiration for the rest of the world. You have set some very ambitious targets when it comes to clean water for over 1 million households and for renewable energy, including offshore wind. तेबे डेनमार्क प्रधानमंत्री नुआदिल्ली में पहुंचा पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन ठारे स्वागत करते फेडरिक्सन एवं तीन दिनिया भारत गस्तरे आसी।